हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टुडे स्पेशल में। तो दोस्तों, नॉर्मल तो हम करेले घर में खाते ही हैं, जैसे भरवा बनाकर या काटकर उन्हें हम बनाकर खाना पसंद करते हैं, लेकिन आज हम करेले को चने की दाल के साथ बनाकर एक बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे। अगर आप इसे एक बार मेरे तरीके से ट्राई करेंगे, आप करेले की सब्जी बार बार खाना चाहेंगे। तो चलिए, करेले को चना दाल के साथ कैसे बनाते हैं ये मैं आपको वीडियो में बताती हूँ। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 6 मीडियम साइज़ के करेले लिए हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल छोटे छोटे करेले लिए हैं मैंने यहाँ पर, और इनके दोनों पोर्शन आगे और पीछे से इन्हें काट कर मैंने इस तरीके से इन्हें गोल काट लिया है। तो आप देख सकते हैं कि बीच में से इसका बीज साफ करके मैंने इसे गोल शेप में काट लिया। आप कैसी भी शेप में काट सकते हैं, जैसा भी आप खाना पसंद करते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि मैंने इन सारे करेलों को इस शेप में काट कर तैयार कर लिया है। इन्हें ज़्यादा देर पहले काटने की ज़रूरत नहीं है, करीब हम 15 से 20 मिनट पहले भी इन्हें काट कर हम बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इन्हें एक बाउल में निकाल लिया है और सारे करेलों को मैंने इस बाउल में डाल लिया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड किया है गर्म पानी। नॉर्मल पानी यहाँ पर मैंने ऐड नहीं किया है, पानी को मैंने पहले थोड़ा सा गर्म कर लिया था और उसके बाद मैंने इन्हें गर्म पानी में डाल दिया है। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी। आधा चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर इसमें हल्दी ऐड की है और 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर नमक ऐड किया है। और उसके बाद फ्रेंड्स, हम इन्हें 1 चमचे की हेल्प से मिला देंगे, जिससे कि नमक और हल्दी सारे करेलों में अच्छे से मिल जाए। और उसके बाद हम इसे करीब हम आधा घंटा के लिए कवर करके रख देंगे, जिससे कि जो हमारे करेलों का कड़वापन है वो बिल्कुल निकल जाएगा। वैसे तो हम इन्हें एक रात पहले ही काट कर अच्छे से नमक लगा कर रखते हैं, लेकिन अगर आप को जल्दबाजी में बनाने हो तो आप इन्हें आधा घंटा पहले भी गर्म पानी में डालकर रख सकते हैं। और आप अगर इन्हें एक बार इस तरीके से बनाएंगे तो आप यकीन मानिएगा कि ये आपको बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। तो फ्रेंड्स, आधा घंटा हो चुका है, आप देख सकते हैं कि करेलों ने जो है कड़वापन बिल्कुल छोड़ दिया है। और इस तरीके से हम इन्हें एक बार फिर से गर्म पानी के साथ मिलाकर हम इन्हें अच्छे से वॉश कर लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर चढ़ाएंगे कढ़ाई। तो मैंने यहाँ पर गैस पर कढ़ाई रख दी है और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है, करीब 2 से 3 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल ऐड किया और उसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। और मैंने यहाँ पर 4 से 5 मीडियम साइज़ की प्याज को रफली चॉप्ड करके रख लिया था। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर प्याज को अच्छे से भूना है। इसे ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, इसे लाइट पिंक होने तक ही हमें प्याज को भूनना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी जो प्याज है वो भून चुकी है और अब हम इसे एक सेपरेट प्लेट में निकाल लेंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो प्याज है वो भून चुकी है और उसके बाद जो हमारा कढ़ाई में तेल बचा है उसमें हम फ्राई करेंगे जो हमने करेलों को वॉश करके रखा था साफ पानी से। उन करेलों को हम इसमें हम ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि सारे करेलों को मैंने इसमें ऐड कर दिया है और 1 चमचे की हेल्प से इन्हें चलाकर अच्छे से हम करीब 10 से 12 मिनट के लिए ढककर इन्हें हम कवर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इसे कवर कर दिया है और इसी तरीके से 10 से 12 मिनट तक हम इन्हें बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे। आप इसे चलाना बिल्कुल भी ना भूलें, आप इसे बीच बीच में खोलकर चलाते रहें, जिससे कि जो हमारे करेले हैं वो लगे नहीं। अगर आप नहीं चलाएंगे तो हमारे जो करेले हैं वो जल भी सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो करेले हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें एक सेपरेट प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मैंने करेलों को अच्छे से फ्राई कर लिया है और अब जो कढ़ाई में हमारा तेल बचा है हम उसमें आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसमें 1/2 चम्मच जीरा डाला है और 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर सौंफ डाली है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि दोनों चीज़ें अच्छे से क्रैकल हो चुकी हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज को छोटा छोटा काट कर पहले ही रख लिया था और उसे हम अब इसमें ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि प्याज को मैंने ऐड कर दिया है और अच्छे से प्याज 2 से 3 मिनट भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक। हमने दोनों चीज़ों को यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था, मैंने यहाँ पर इसे पीसा नहीं है, इसे ग्रेटर से ग्रेट करके ही मैंने मोटा मोटा इसमें डाला है। और आप देख सकते हैं कि 2 से 3 मिनट तक हम इसी तरीके से प्याज के साथ लहसुन और प्याज को भूनेंगे। तो हमारी लहसुन प्याज फ्रेंड्स भून चुकी हैं अच्छे से और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो प्योरी। मैंने यहाँ पर दो से तीन मीडियम साइज़ के टमाटो को पहले ही प्योरी बना ली थी और उसे बनाने के बाद हम इसमें इसे ऐड कर देंगे। और इसे मिलाने के बाद मैंने यहाँ पर इसमें ऐड किया है 4 से 5 छोटी छोटी हरी मिर्च को काट कर मैंने यहाँ पर इसमें ऐड कर दिया है। और फ्रेंड्स, हमने टमाटर डाला है तो नमक तो हमें डालना ही है। तो अभी हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1/2 चम्मच के करीब नमक। तो मैंने यहाँ पर छोटी चम्मच लेकर यहाँ पर मैंने नमक ऐड किया है और इस तरीके से मसाले में मिलाकर हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे, जिससे कि जो हमारा मसाला है वो बहुत जल्दी पककर
हमारा तैयार हो जाएगा। तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि 2 से 3 मिनट में ही हमारा जो मसाला है वो अच्छे से भून चुका है, तेल वो सेपरेटली निकल कर आ गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो मसाले में हम सबसे पहले ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। मैंने 1 चम्मच यहाँ पर हल्दी पाउडर ऐड किया है और 1 चम्मच ही मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, क्योंकि पहले हमने यहाँ पर हरी मिर्च काट कर डाली है, तो मिर्च आप थोड़ी सी कम ही ऐड करें। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे धनिया। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर ऐड किया है और उसके बाद हम अपने मसाले के साथ अच्छे से इसे मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मसाले को अच्छे से मैंने प्योरी के साथ मिला दिया है और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो मैंने यहाँ पर आधा से कम ग्लास के करीब मैंने यहाँ पर पानी ऐड किया है। अगर आप पानी डालकर मसाले को भूनेंगे तो आपके जो मसाले का टेस्ट है और आपकी जो सब्जी है वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है और मसाले से तेल जो है वो सेपरेटली निकल कर आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे चना दाल। मैंने चना दाल को 1 घंटे पहले ही भिगो कर रख दिया था, क्योंकि अगर आप भिगो कर डालेंगे तो आपकी जो दाल है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी और सब्जी बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी। तो आप देख सकते हैं कि 1 घंटे पहले ही मैंने चना दाल को भिगो कर रख दिया था। अब चना दाल को हम इसमें ऐड कर देंगे और उसके बाद थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे बॉईल होने के लिए रख देंगे। तो आप फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने दाल को ऐड कर दिया है और उसके बाद हम यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। जैसा भी आप खाना नमक पसंद करते हैं आप उस हिसाब से यहाँ पर नमक ऐड कर सकते हैं और उसके बाद हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो दाल है वो हमारी अच्छे से पक चुकी है। आप इसे हाथ से इस तरीके से प्रेस करके देख सकते हैं और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपने करेले। जो करेले हमने फ्राई करके रखे थे वो हम अब इसमें ऐड कर देंगे और उसके बाद जो प्याज हमने अलग से फ्राई करके रखी थी उसे भी इसी स्टेज पर हम इसे में ऐड कर देंगे। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला देंगे। अगर आप थोड़ी सी ग्रेवी के खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं और अगर आप ऐसे ही इसे थोड़ी सी ड्राई खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड ना करें। और उसके बाद हम इसे सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरीके से सारी चीज़ों को ढककर पकाएंगे। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सौंफ का पाउडर। मैंने यहाँ पर सौंफ को थोड़ा सा दरदरा कूट लिया था और उसके बाद हम इसमें इसे ऐड कर देंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आमचूर पाउडर। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी के करीब छोटी वाली जो कटोरियाँ होती हैं 1 छोटी कटोरी के करीब मैंने यहाँ पर ऐड किया है आमचूर पाउडर। अगर आप आमचूर पाउडर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास आमचूर पाउडर है तो इसे आप ज़रूर डालें, इसकी बिल्कुल भी ना करें। इससे जो करेले का कड़वापन होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी को फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने पहले ही ड्राई रोस्ट कर लिया था। अगर आप भी ड्राई रोस्ट करके इसमें इसे ऐड करेंगे तो आपकी सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। और उसके बाद सबसे लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और उसके बाद अपनी सब्जी के साथ सारे मसालों को हम अच्छे से मिला देंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स सारे मसालों को मिलाने के बाद हम इसे फिर से 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे, जिससे कि जो हमारे मसाले का टेस्ट है वो सब्जी में अच्छे से आ जाए। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारी सब्जी बन चुकी है, अब हम इसे सर्विंग बाउल में सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।